लोग का रिजल्ट आजकल खराब हो रहा है. सो ऑलवेज रिमेम्बर यू हैव टू टेक द टेस्ट अकॉर्डिंग टू द मेरिट. एंड ऐसा चीज वहीं भी मिलेगा आपको नीट में भी, तो वहां भी तुम यही सोचते रहोगे कि गलती है ऐसा ही है. इसलिए ऑलवेज गिव द टेस्ट, डोंट एनालाइज इट. ये जो फीडबैक एटीट्यूड आपको सिखाता है ना प्राइवेट सिस्टम, तो वही आपको उल्लू बना रहा है, समझे. इसलिए ऑलवेज टेक द टेस्ट टू इट्स मेरिट. जो है उसी को आप आंसर करो, आपको डाउट है छोड़ दो. चलिए, सो वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रांसलेशन, सो वी विल कंटिन्यू ट्रांसलेशन टुडे. एंड हम लोग पिछले बार क्या क्या डिस्कस कर दिए थे ट्रांसलेशन में, दैट वी हैड डिस्कस्ड द रिक्वायरमेंट्स, है कि नहीं. तो क्या क्या चाहिए हमने डिस्कस किया, प्लस आज हम लोग अगेन वी विल स्टार्ट विथ द इनिशिएशन पार्ट. ओके, तो इसलिए जो पढ़ लिया था फिर भी हम उसको थोड़ा बैक से शुरू करेंगे. तो ट्रांसलेशन, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, mRNA टू प्रोटीन्स. ओके, mRNA टू प्रोटीन्स. नाउ उसमें जो स्टेप वन है, एक्चुअली आपका जो एमिनो एसिड्स होते हैं दे आर नॉट एक्टिवेटेड. तो इसीलिए जो स्टेप वन है हमारा, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स. ओके, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड इट्स लोडिंग ऑन द टीआरएनए. ठीक है, तो एक बार हम एमिनो एसिड्स को एक्टिवेट करेंगे एंड उसको टीआरएनए के ऊपर लोड कर देंगे. अंडरस्टूड. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको स्टेप वाइज जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू लोड इट ऑन द टीआरएनए. नाउ आपको मालूम है कि जो टीआरएनए है वो जनरली सी हम लोग प्रोकैरियोटिक सिस्टम कर रहे हैं. तो जब आप प्रोकैरियोटिक सिस्टम कर रहे हो तो आपको मालूम है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस व्यूक्लियस नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक सिस्टम में देयर इज न्यूक्लियस. इसीलिए आपका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा. एंड आपका ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा. तो इसीलिए वहां थोड़ा सा ट्रबल है, डीले है, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है. नाउ इसलिए प्रोकैरियोट में जो सिंथेसिस होगा वो आपका डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, नाउ तो ये जो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड स्टेप्स है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले एमिनो एसिड को चार्ज करते हैं. तो हाउ टू चार्ज इट, विथ एटीपी. तो एमिनो एसिड प्लस हम देते हैं उसको एटीपी. ओके, तो एटीपी देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस. समझ रहे हो. तो इसीलिए इस एंजाइम के प्रेजेंस में जब हम देते हैं तो ये बन जाता है ए ए ए, दैट इज कॉल्ड एमिनो एसिड एडेनिलेट. ओके, उसको फिर हम टीआरएनए देते हैं, अनलोडेड टीआरएनए. तो ये बन जाता है क्या, एमिनो एसाइल टीआरएनए ऊपर एमिनो एसिड, ये ऊपर रहता है आप याद रखेंगे. ओके, प्लस क्या निकल जाएगा, एएमपी. ओके, तो वहां से एएमपी बाहर हो जाएगा प्लस एंजाइम बाहर हो जाएगा. सो ये आपका बेसिक स्टेप है. इसको कैटलाइज करने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए. तो ये एंजाइम कौन सा है, सो दिस एंजाइम इज कॉल्ड एमिनो एसाइल टीआरएनए. इसको लिख लेते हैं, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस. तो सेम एंजाइम दोनों रिएक्शन करता है, ये वाला रिएक्शन भी वही एंजाइम करेगा, तो इसलिए हाथ पकाने का कोई जरूरत नहीं है. सो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम यहाँ भी काम करता है एंड यहाँ भी काम करता है.
सेम एंजाइम, बट अब हम लोग उसको क्या करना पड़ेगा, उसको टीआरएनए भी देना पड़ेगा। इधर आपने अमीनो एसिड ले लिया, इधर आपने एंजाइम भी ले लिया, एंड ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अमीनो एसिड एडेनिलेट। व्हाई एडेनिलेट? बिकॉज उसमें एडेनिलिक एसिड जुड़ जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अमीनो एसिड एडेनिलेट। अंडरस्टूड? नाउ अब इधर हम एक और चीज इसको देना पड़ेगा, दैट इज प्लस ए टी आर एन ए। ओके, हम लोग क्या डिसाइड किए थे, डिस्कस किए थे कि एक बार अमीनो एसिड लगाएंगे तो वो अनलोडेड है, क्योंकि दो अलग अलग कंसेप्ट है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी आर एन ए ए। ओके, तो अगर एक बार टी आर एन ए लगा है तो वो अनलोडेड है, अगर दो बार एक बार ए लगा है तो अनलोडेड है, दो बार लगा है तो लोडेड। सो दिस इज योर अनलोडेड टीआरएनए। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ऑन द टीआरएनए। तो ये जो टीआरएनए है, अब ये चला किधर, टुवर्ड्स द राइबोसोम। Now, we have already discussed the different sites of the tRNA during our biochemistry and pre-molecular biology lectures, that आपका जो DHU loop है, वो decide करता है क्या? अगर यहाँ ध्यान दो, तो who decides the enzyme? So, DHU loop, है कि नहीं, याद है? So, DHU loop decides the enzyme, ठीक है। तो DHU loop आपका enzyme decide करता है, plus, okay, ये याद है DHU loop में जो bases हैं, वो decide करेगा कौन सा synthetase आएगा, बोले बोले। Now, अब कौन सा ribosome जाएगा, तो वो कौन decide करता है, DCC loop, okay, the आर टी साई मैं हाथ से लिखूंगा, सी लूप, ओके, द टी साई सी लूप डिसाइड्स द क्या, राइबोसोम। मैंने कौन से राइबोसोम को ये टीआरएनए जाएगा, वो डिसाइड कौन करेगा, टी साई सी लूप डिसाइड्स द राइबोसोम। एंड the anticodon, the anticodon decides the amino acids, okay, so first our class is in, hello, so the anticodon decides the हेला, सो दिस इज द केस। तो समझ रहे हो, तो दिस इज द कंसेप्ट आपका, ये के चलो। सो आपका जो टी साई सी लूप है, वो डिसाइड करेगा क्या, तो दिस इज साई, ओके, टी साई सी लूप डिसाइड करता है कौन सा राइबोसोम में अटैचमेंट होगा, एंड ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद एंटीकोडॉन डिसाइड करता है कौन सा अमीनो एसिड लोड होगा, प्लस डीएचयू लूप डिसाइड करता है कौन सा एंजाइम आएगा, ओके। सो एंड ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू दैट ये जो कंसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड जेनेटिक कोड। तो आजकल कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट
आपका ये पेयरिंग है. ओके, तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ. ओके, सो इसलिए कौन सा एमिनो एसिड लगेगा एक्चुअली ये डिसाइड करता है, ये नहीं करता है, बट तुम्हारे लिए वो है नहीं, तो जस्ट जान लो, कहीं अगर कोई पूछ पाछ ले तो दिस इज द सेकेंड जेनेटिक कोड एंड ये क्या है, ये आपका फर्स्ट जेनेटिक कोड का कंसेप्ट है. ओके, तो अभी ये रिजेक्ट हो चुका है, अभी पता, अभी एक्चुअली जो एंजाइम लोड होगा वही डिसाइड करता है क्या जुड़ेगा. चलिए, सो दिस इज, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड व्हाट, दीज स्टेप्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट, एक्टिवेशन ऑफ योर एमिनो एसिड. बोले बोले, अब हमारा रेडी हो गया सिस्टम, अब हम चलेंगे किधर, स्टेप टू. हाँ बोलो. ये जो सर बीच में जो अमीनो एसिड एडेनिलेट है उसको सर बोलेंगे ना सर, ऐसा अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम वाला कॉम्प्लेक्स. हाँ, तो यही है, उसमें अमीनो एसिड लगा है, एंजाइम लगा है एंड आपका ये, आप यू कैन राइट अगेन इफ यू वांट. तो इधर हम उसको लिख सकते हैं, इसमें अमीनो एसिड लगा है, एएमपी लगा है एंड एंजाइम लगा है, उसी को हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड रेडी हो गए हैं. नाउ वी विल गो टू स्टेप टू, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन. है कि नहीं? अब गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है, सो नाउ इन द सेकेंड स्टेप, अभी आपका क्या क्या यूज होता है हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, तो उसको दोबारा नहीं करेंगे. तो अब प्लीज रिमेम्बर कि राइबोसोम जो है वो कभी भी डाइमेरिक फॉर्म, मैंने जो जुड़ा हुआ फॉर्म में नहीं होता है, वो फ्री फॉर्म में होता है. इसीलिए अब यहाँ हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखेंगे, उसमें हम लोग क्या लेंगे, वी विल टेक 30S सब यूनिट. है कि नहीं? हम 30S सब यूनिट लेंगे प्लस आपका mRNA लेंगे प्लस आपका इनिशिएशन फैक्टर 1 लेंगे, इनिशिएशन फैक्टर 3 लेंगे. ओके, सो इसको जब हम करेंगे तो अब ये आपका बन जाएगा क्या है, सो दिस विल बी फॉर्मिंग योर व्हाट, दिस विल बी फॉर्मिंग योर 30S mRNA कॉम्प्लेक्स. ठीक है, नाउ इस mRNA कॉम्प्लेक्स को अब हम देंगे क्या, Now we will give your tRNA. तो जब आप उसको एक tRNA दोगे तो वो इसके ऊपर लोड करेगा. Understood? तो इसलिए अब नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसमें हम लिखेंगे ऊपर, इधर हम देंगे ना, अब हम लोग देंगे इसके ऊपर क्या, आपका पहला tRNA NF-MET. तो दो बार लिखने का मतलब क्या है कि वो हमारा लोडेड tRNA. तो अब आप ये tRNA दोगे तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये आपका, तो दिस इज कॉल्ड योर 30S ओके mRNA NF-MET tRNA NF-MET ओके कॉम्प्लेक्स. ओके, तो ये आपका दोनों जुड़ जाएंगे. अब उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स को हम देंगे क्या, आपका राइबोसोम. सो नाउ वी विल गिव राइबोसोम,
तो ये अल्टीमेटली बना देगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. इसके लिए हमें इसको क्या देना पड़ेगा? वी हैव टू गिव द लार्ज सब यूनिट. तो इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा 50S सब यूनिट प्लस, और क्या देंगे इसे बोलो? 50S सब यूनिट दोगे प्लस GTP दोगे. ओके, प्लस इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर टू. ओके, ये दोगे तो जब दोगे बाकी सब निकल जाएगा. तो IF1 प्लस IF2 प्लस IF3. ओके, अच्छी गला. ओके, IF1 नहीं नासिक परफेक्ट. IF1 प्लस IF2 प्लस IF3 ये प्लस क्या GTP. ओके, तो ये सारे के सारे, हाँ गाड़ी ऐसे ला जाए. ओके, ये सारे के सारे निकल जाएंगे. ओके, जो मैक्स इज सो क्लेवर, उसको जब मेरा फोन बजता है ना तो उसके बाद अमेज़न वाला आता है तो वो जान जाता है. जैसे ही फोन बजता है ना वो गेट की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर देता है. तो ही नोज दैट अमेज़न इज अराउंड. समझ रहे हो? चलिए, तो इसीलिए अब ये हमने दिया सिस्टम को चला एंड ये सिस्टम से बाहर. Okay, so this is the concept. Okay, so I will try to show you a diagram and वहां हम इसको समझने का कोशिश करेंगे. सर, सर ये जो 30S के साथ mRNA 800 में भी GTP लगता है या नहीं सर? उसको हम देंगे, GTP देंगे. Don't worry, अभी don't worry. तो एक क्वेश्चन था ना वहां पे. See here, now I am showing you a diagram. देख रहे हो? तो ये आपका जो है initiation complex है, ठीक है? तो अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? तो ये जो है आपको ध्यान देना इस जगह पर. तो हम लोग step by step जाएंगे. तो ये आप क्या देख रहे हो? 30S subunit, initiation factor 3, initiation factor 1. P साइट एंड A साइट. अब हम इसको mRNA दे रहे हैं. तो mRNA में आपका ये आ गया. अब mRNA में एक साइट ऐड करेंगे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे उसको ST सीक्वेंस. ओके, हाँ, वो हमारा ST सीक्वेंस है. तो ये जो ST सीक्वेंस है आपका, नाउ दिस ST सीक्वेंस का काम हम थोड़े देर में. Understood? तो ये आपका ST सीक्वेंस है, ये आपका स्टार्ट कोडन है, ये आपका जो P साइट है, IF1 साइट है, IF3 साइट है. चला? तो ये हम लोग फोटो सेव कर देते हैं, फिर आगे जाएंगे. Now please इसको ध्यान देंगे, ये सब हम समझेंगे उसका काम क्या है. पहले डायग्राम देख लो. अब नेक्स्ट स्टेप, तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज स्टेप 2A. है कि नहीं? तो ये हमारा स्टेप 2A है. तो इनिशिएशन का A स्टेप. बल्ले बल्ले, नाउ वी विल गो अहेड. ये सब आपका NCERT में नहीं है माय डियर. दिस इज नॉट देयर इन NCERT और KCERT. KCERT से जितना पढ़ेंगे सर उतना कंफ्यूजन हो रहा है. अब तुम तो उसी को याद कर रहे हो. तुम्हारा मम्मी डैडी तो रो रहा है, अब वो पीला भर को दे ले रही. ऐसे करके रो रहे हैं, तब क्या करेंगे बताओ? उनको समझाओ. चलो, तो अब ये आपका ST सीक्वेंस है. दूसरे बने आई थिंक है वो, आप देख रहे हो? तो ये आपका ST सीक्वेंस है. नाउ ये आपका स्टेप क्या हो जाएगा? नाउ 2B स्टेप. तो देख रहे हो? तो 2B स्टेप में आ रहा है आपका NF में tRNA एंड अब आया GTP शाश्वत चटर्जी. देख रहे हो? तो GTP will come with IF2. आया? तो मैंने कुछ गलत लिखा था शाश्वत चटर्जी? So GTP को IF2 लेकर आता है.
एंड अब वो उसको अटैचमेंट में मदद कर रहा है। अभी तक जीटीपी हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका स्टेप टू भी हो गया, इसका हमने फोटो खींच लिया, अब चलेंगे आगे। नाउ अब जैसे ये जुड़ जाएगा आपका ढक्कन गिर जाएगा, इसलिए प्लीज रिमेम्बर, अगर एनएफ में टीआरएनए पी साइट में नहीं लगता है बिफोर ढक्कन का गिरना, आपका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज देयर इज ओनली वन रूट। ओके, धर दे लगाओ विकास यादव तू, सो ओनली देयर इज वन रूट। ओके, एक ही रूट है, धर दे ले, जल्दी से जल्दी से। तो देयर इज ओनली वन रूट टू पी साइट, That is through A, है ना? तो एक बार ढक्कन गिर गया तो ए साइड ताकू धोरी चंद कहीं था, मैं जानू ना कि ताकू छाड़ दे बेबेली, बाकी संगवानों कहीं मार दले, तुम्हारा भेजा नहीं है ऐसे अरे देखियो ना कोर्ट केस, अब कुछ नहीं होगा। अभी विकास यादव को पकड़ लिया ना पुलिस, ताकू छाड़ दे बे, सेटा जी प्लान, तमे कौन बुझछ हमारा तो पुलिस विषय। चलिए तो समझ में, तो एक बार वो लग गया आपका लार सबनेट, अब आपका क्या होगा, पी साइट को जाने के लिए ए के थ्रू जाना पड़ेगा। तो अगर आपका पहले से कोई भी पी में नहीं है तो आपका आप डायरेक्टली पी को नहीं जा सकते, इसलिए लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, व्हाट बॉय, लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स वो लोग क्या करेंगे, वो पी साइट में अटैच होने से रोक देते हैं, अंडरस्टूड, they will stop P-site attachment. तो इससे क्या होगा, आपका ट्रांसलेशन ठप हो जाएगा। चलिए, so ये समझ में आया? तो अब जाके GTP hydrolysis हो रहा है शाश्वत चटर्जी। देखो अभी भी hydrolysis नहीं हुआ, तो GTP किस चीज में यूज हो रहा है टेक्निकली, to join the large subunit, देख रहे हो? तो इसीलिए ये उसका कंसेप्ट है। Now, अब ये स्टेप हमने सेव कर लिया, अब हम चलेंगे थोड़ा आगे, गाड़ी घोड़ाएंगे, अब आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। सो नाउ आपका कॉम्प्लेक्स इज बन गया, एंड ये स्टेप आपका क्या हो जाएगा, टू सी एंड शाइन डालगारनो को इधर ले आएंगे, अंडरस्टूड। सो दिस इज नाउ नोन एज व्हाट, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टूड, यह आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। नाउ आप देखिए, ई साइट इज ओनली लोकेटेड ऑन द 50S, पी और ए दोनों तरफ लोकेटेड होता है। इधर हम एक और चीज बनाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड द पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये क्या चीज है, ये आपका, दिस इज 23S RRNA, और उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यार से, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, तो समझ रहे हो? तो ये जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया, पी साइट, अंडरस्टूड। तो जो पी साइट है वो इस एंजाइम के लिए उसका नाम पड़ता है, अंडरस्टैंड। तो वो एक्चुअली एक राइबोसाइम है, देख रहे हो, यू सी दिस इज, दिस डायग्राम इज फ्रॉम लेनिंजेनेल्सन कॉक्स, स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग। ओके, चलिए, तो ये आपका इनिशिएशन खत्म। तो नाउ वी विल गो बैक टू आवर स्क्रीन। तो अब इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स है। नाउ तो फंक्शन क्या है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ये जो इनिशिएशन है, तो ये इनिशिएशन जो हो रहा है, इसके लिए ये हम लोग डिब्बा बना लेते हैं। सो आप समझ रहे हो, ये 2A स्टेप है, ये 2B स्टेप है, ये 2C स्टेप है, जस्ट टू कंफर्म विद द डायग्राम, तो लिख लो इसके ऊपर ताकि आपको शुभा ना हो। दिस इज 2A step, okay, and this is 2B step, and this is
टू सिस्टम। ओके, तो समझ में आया, ये आपका स्टेप्स है। नाउ आज एक और टेस्ट आएगा मॉलिक्यूलर का आपका है। ओके, बेसिकली हिस्ट्री एंड डीएनए रेप्लिकेशन से है वो। नाउ इसमें सर, सर उसमें सर आप ऑपरेंड ऑपरेंड दे दिए थे सर, वो वाला सर क्वेश्चन सुना। मेरा मेरे मन को आया, मैं कुत्ता मार के खाया, तो मैं कुछ मर्जी दे सकता हूँ। मेरा काम है देना, तुम्हारा काम है देना, समझ रहे हो? तो तुम भी दो, मैं भी दे रहा हूँ, तने क्या टेंशन है। अपरन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ ट्रांसक्रिप्शन में, समझे अंकल? तो इसलिए आप मेरे को उंगली नहीं कर सकते। चलिए, सो नोट में अब हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ। नोट में हमारा आज का जो विचार है, हाउ एयूजी फॉल्स इन द पी साइट। ओके, तो एयूजी पी साइट पे कैसे जाता है, ये हमारा आज का मुद्दा है। अंडरस्टूड? तो उसके लिए पॉइंट नंबर वन, सो दैट इज कॉल्ड शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ओके, तो ये एक कंसेप्ट है। नाउ जो प्रोकैरियोट्स होता है, ओके, इन प्रोकैरियोट्स, ओके, इन प्रोकैरियोटिक एमआरएनए क्या होगा, देयर इज ए एसडी सीक्वेंस अपस्ट्रीम, एसईक्यूएनसी सीक्वेंस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब याद है कि नहीं, ऊपर लेफ्ट प्राइम, हाँ टुवर्ड्स फाइव प्राइम, ये अपस्ट्रीम टू आपका रेगुलेटर है। ओके, अपस्ट्रीम टू रेगुलेटर जीन, माने रेगुलेटर जीन से भी पहले है। तो इन प्रोकैरियोटिक एमआरएनए देयर इज एसडी सीक्वेंस अपस्ट्रीम टू रेगुलेटर जीन व्हिच इज कॉम्प्लीमेंटरी टू ए शॉर्ट sequence, okay, to a short sequence in the 16S rRNA of 30S subunit. समझ में आया? तो आपका जो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस है वो क्या है, तो ये अपस्ट्रीम टू रेगुलेटर होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू शॉर्ट सीक्वेंस होता है। सो दिस एसोसिएशन हेल्प्स इन द पी साइट रिसीविंग द एयूजी कोडॉन। ओके, तो इसीलिए ये जो एसोसिएशन है, रिसीविंग का स्पेलिंग आई होता है ना लिखते समय, ना ठीक है ये। सो जो भी है, तो दिस एसोसिएशन हेल्प्स इन द पी साइट रिसीविंग द एयूजी कोडॉन। ओके, फॉर एग्जांपल हमारा जो आयुष्मान सेनापति है वो आपका क्या है, इंजन ड्राइवर। तो अब हाउ आयुष्मान विल कंफर्म दैट एसी बॉगी वन विल सिट क्लोज टू द एसी बॉगी वन रिटर्न इन द प्लेटफॉर्म, बताइए जल्दी। तो वो कैसे कंफर्म करेगा कि एसी एसी के जगह पर लगा हुआ है? बोलो, आयुष्मान इज नॉट देयर। हूँ सर। हाँ, यू आर देयर। यस सर। बोलो कैसे कंफर्म करोगे, ये सपना क्या देख रहे हो बैठ बैठ। हाँ शुभम पंडा बोलो, कल शुभम पंडा सर टिकट मांगेगा उससे। और बोलो,
अरे एसी बॉगी जो है ट्रेन, वो ट्रेन चला रहा है आयुष्मान, वो टीटी नहीं है, वो ट्रेन चला रहा है तो वो तो इंजन में है, वो कैसे जानेगा कि एसी बॉगी कहाँ लगा? आप जानते हो कि नहीं, प्लेटफॉर्म में भी लिखा होता है हर डिब्बा का नाम, तो अब कैसे वो गारंटी देगा कि वो एसी जगह में ही जाएगा? बोलो सर, सही जगह में लगा के बस। तो अपना काम करो, तुमको दूसरे का काम करने का जरूरत नहीं है, तो आप इंजन को इंजन पे लगा दो तो अपने आप सब डब्बे अपने आप लग जाएंगे। गुड, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए अगर एसडी लग गया 16S के साथ, अपने आप एयूजी चला जाएगा किधर, पी साइड पे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें भाई देखो, एक के बलबूते पे कभी भी नहीं होता है, ओके? तो इसीलिए शायद वो ए साइड पे चला जाए, इसीलिए इनिशिएशन फैक्टर वन।